अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म के मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ जी। पाइनएप्पल मिल्क शेक बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही आसान, और आप लोग इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं पाइनएप्पल और जी उसके साथ ही मैंने ले लिया है मिल्क, फुल फैट मिल्क लिया है, साथ ही मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून शुगर। तो जी सबसे पहले जी हम डालेंगे पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल डालने के बाद तमाम पाइनएप्पल आप इसमें डाल दीजिए और एक आध आप छोड़ दीजिए। अगर चंक्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप 3-4 छोड़ दें, तो एक आध आप डेकोर के लिए रख दीजिए। और उसके बाद जी मैं डाल रही हूँ यहाँ 2 टेबल स्पून शुगर, और साथ ही जी मैं डाल रही हूँ मिल्क, और मिल्क जो है आपने डालना है जितने आप बना रहे हैं अफराद के हिसाब से वो डालिए। मैंने एक गिलास भर के डाला है और उसके बाद जी मैं डाल इसको करूँगी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड, और आप इस जूसर में बनाना चाहें, ब्लेंडर में बनाना चाहें, आप उस पर डाल दें, बट मेक श्योर आपके जो पाइनएप्पल हैं वो प्रॉपर जो है वो मैश होने चाहिए। तो जी आपने इसी तरीके से बनाना है और ये आप देखिएगा कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अच्छा बनेगा। शुगर का इस्तेमाल इसमें कम डालिएगा, और अगर आप चाहें स्किप करना चाहें तो शुगर को स्किप भी कर लीजिएगा। और ये देखें जी इसके बाद आप इसमें डालते हैं आइस, और आपका बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है वो मिल्क शेक आपका रेडी हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अब आप इसको जो है सर्व कर लीजिए। मैं जो है तमाम मिल्क शेक ये देखें बहुत गाढ़ा और बहुत ही मज़े का बना था, और चीज़ को जी मैंने ग्लास में डाल दिया है, और जो मैंने पाइनएप्पल 1 से 2 छोड़ दिए थे उससे मैं डेकोर कर लूँगी। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह ने के